यहाँ पर ठंडी शुरू हो चुकी है, तो अब जब भी आप लोग दरबार आए ना, अपने कपड़े उपड़े की व्यवस्था करके आए, गर्म कपड़े साथ में लेके आए। पहनने वाले कपड़े कम रहेंगे चलेगा, लेकिन गर्म कपड़े जो है ना, ये आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। कंबल उम्बल सब साथ में आप लोग को लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ठंडी आज से शुरू हो चुकी है, आज से एहसास हो रहा है कि ठंडी लग रही है। नहीं तो रोज़ सुबह सुबह ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता था, बस आराम से आते थे, लेकिन आज जो है ना ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। मुझे आज से शॉल निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना, आज से कोहरा भी कितना दिख रहा है, देख लीजिए कितना कोहरा दिख रहा है। लेकिन ये वाली ठंडी इतनी प्यारी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है ना, क्या बताएं आप लोगों को। मतलब शरीर के अंदर एकदम से नहीं घुस रही है, शरीर पे लग रही है। लेकिन अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना, इस ठंडी को गुलाबी ठंडी कहते हैं। ये ठंडी आप सह सकते हो, फिर उसके बाद फरवरी की ठंडी सह पाओगे, लेकिन दिसंबर मैंने देखा है असहनीय ठंडी। इंसान उस ठंडी में ना ऊपर भी चला जाता है, इतनी खतरनाक ठंडी पड़ती है। 25 दिसंबर से लेके जनवरी लास्ट एंड पकड़ लो, इतना खतरनाक ठंडी पड़ता है भाई। इतने मतलब हो सके ना तो ये 1.5 महीने गायब हो जाओ, कोई किसी गर्म प्रदेश में चले जाओ, बहुत ठंडी पड़ती है, बाप रे बाप। जिसके पास हीटर है वो बहुत बढ़िया से रह पाएगा 1.5 महीना उसी के सामने, बाकी तो हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तो इडली भी नहीं बेच पाते, इतना ज्यादा ठंडी, मतलब बारिश ठंडी इतनी गिरती है ना। चलिए तो हम सवेरे सवेरे आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट पे, अब हम लोग फटाफट अपना काम धंधा कर लेते हैं। कितना बढ़िया बनेगा, इतना स्पंची स्पंची इडली बनेगा ना, आप लोग को खा के मजा आ जाएगा। कहीं आसन खरीदेंगे ढेर सारा, कम से कम 50 आसन खरीदेंगे, समझ रहे हो? 25 आसन बाबा के दरबार में, 25 आसन माँ के दरबार में, और जितने लोग उस आसन में बैठ के पूजा करेंगे ना, उसका फल हमको मिलते रहेगा। कितने चलाक है ना हम लोग। और ना माचिस का दान करेंगे, माचिस सस्ती है, और जितने लोग उससे पूजा का सामान चलाएंगे ना, अगरबत्ती या कुछ भी दिया हुआ, उतना पुण्य हमको मिलेगा। छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा फल हमको देती है, बताए। हम सोचते हैं कि हम इतना बड़ा कुछ दान पुण्य कर नहीं पाएंगे, क्या करें। अरे करने वाला कुछ भी कर सकता है, आप सोच के बस देखो। छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं हम लोग। बाबा ने हमें उस लायक कर भी दिया है। छठी मैया का गाना सुना सकते हो, जोरे से हारेल हो, जोड़े सुतवार जतेव टवा नदी चढ़ावेल हो, खड़ा होई सन कतावेल हो, बीच खड़ा होई दर्श
सिरा लगावे ले हो। शीतल दूजे पैया खब देव देवता हा शीतल बेरिया शीतल दूजे पैया खब देव देवता तू अखिल रसनिया चौल सुपवावित देव घटवा हरी चढ़ावे हो ता होई दर्शन रा लगावे हो बीच खड़ा होई दर्शन रा लगावे हो। ये हमारे घर पे बहुत पहले से आता था लेकिन खिलाते नहीं थे क्योंकि पता था नहीं कली में पड़ी थी रात को। जैसा लख कसरी